विधानसभा क्षेत्र के थाना डबरा एरिया में अवैध रूप से गांजा तस्करी लगातार चल रहा है। गांजा तस्करों द्वारा पुलिस को चकमा देकर अवैध कारोबार कर रहे थे। इस पर पुलिस की नजर लगी हुई थी कि आज 11 बजे सूचना मिली कि सुबह 12 बजे के करीब रायगढ़ जिले के सारंगढ़ क्षेत्र के महानदी के उस पार ग्राम घोटला के तरफ से एक युवक मोटरसाइकिल से गांजा रखकर खपाने के लिए साराडी बैराज के तरफ आ रहा है। वहीं सूचना मिलते ही डबरा पुलिस साराडी के पास छिपकर इंतजार कर रही थी कि इसी बीच मोटरसाइकिल से युवक तेज रफ्तार में आ रहा था, जिसे मौके पर पुलिस ने रोका और सफ़ेद रंग की बिना नंबर मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई तो गाड़ी में अवैध रूप से रखा हुआ गांजा मिला। वहीं पुलिस युवक को लेकर थाने पहुंचे, जिस पर पूछताछ करने पर आरोपी नकुल निषाद पिता समारू निषाद उम्र 30 वर्ष साकिन उल घर बताया। वहीं आरोपी के कब्जे से गांजा 2 किलो 700 ग्राम जब्त किया गया। आरोपी युवक नकुल निषाद पिता समारू निषाद उम्र 30 साल साकिन उल घर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 244 20 धारा 20 BNTBS नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला कायम किया गया, प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। वहीं आरोपी नकुल निषाद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जांजगीर चांपा से DNX TV के लिए अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम साराडी बैराज की ओर एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेकर आ रहा है कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मौके पर जाकर रेड कार्रवाई किया गया तो आरोपी नकुल निषाद पिता समारू निषाद जो उलखर थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़ का रहने वाला है के कब्जे से 3 अलग अलग पैकेट में कुल 2 किलो 700 ग्राम सूखा मादक पदार्थ गांजा एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपी नकुल निषाद के विरुद्ध धारा 20B NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय जांजगीर कोर्ट पेश किया जाएगा।